हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं रोहित और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इनू हेल्प में, जो कि गर्ल्स से रिलेटिव में वीडियो बनाता रहता हूँ और बताता रहता हूँ। दोस्त, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सऊदी का रूल रेगुलेशन तो आपने बता दिया, लेकिन दुबई का रूल रेगुलेशन नहीं बताया। दुबई में क्या है, नहीं है, कैसे जॉब करते हैं, कैसे क्या मिलता है, क्या क्या फैसिलिटियाँ होती हैं। दोस्त, मैं आपको बताता हूँ दुबई की पहला रूल कंडीशन। फर्स्ट नंबर एक, दुबई में जो है, जब भी आप दुबई आ रहे हो, दुबई में नौकरी पाना बहुत आसान है और लेकिन लाइसेंस लेना सबसे बहुत मुश्किल है। अगर कोई ड्राइवर है, अगर वो दुबई में नौकरी कर रहे हैं, उनसे ज़रा पूछ लीजिएगा, और मैं उनसे मिलता भी रहता हूँ, तो बोलते भाई साहब दुबई में नौकरी करना आसान है लेकिन लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल, क्योंकि हर 3 साल पे दुबई में लाइसेंस रिन्यूअल होता है और इसका जो टेस्ट ड्राइविंग वगैरह, जो चलान वगैरह कटती है, सब ऑटोमेटिकली होता है। जैसे अपने भारत ने कि 100 का पत्ता 1000 का पत्ता पकड़ा दिया, भाई चल निकल लिए, यहाँ पे आपको पुलिस देखने को नहीं मिलेगी, सुरता वाले। जो भी आपका स्पीड होगा, जो भी आपका स्पीड रेंज होगी, वो आपको ऑटोमेटिकली सब शो करता रहेगा। आप कितने स्पीड पर गाड़ी आपको क्रॉस किया, कैमरा कहाँ पर आपको मार रहा है, वो सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली डिटेल्स पता चल जाएगा। अगर आप चलान कटने के बाद अगर आप पैसा जमा नहीं करते हो, तो हर महीना वो पैसा बढ़ता रहता है परसेंटेज के हिसाब से। ठीक दोस्तों, प्लीज़, इसलिए जब वो चलान आए, आपको मैसेज आए, तो प्लीज़ जाके पहले वो पैसा पे कर दें, और ये भरोसे ना बैठे कि यार मैं पैसा पे नहीं करूँ तो कोई मुश्किल नहीं। तो आपको एयरपोर्ट पे रोक दिया जाएगा, पहले पैसा पे करो, उसके बाद आप जाओगे अपने देश, चाहे वो इंडिया को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश का हो। और दूसरा नंबर दोस्त, वो हम लोगों की आदत क्या होती है, हम लोग खैनी खाते हैं कहीं भी, बस स्टार्ट हो गए। नहीं, दुबई में ऐसा नहीं है। दुबई में अगर आपने थूका है, उसका 7 रियाल 7 दरहम फाइन आता है, तो प्लीज़ वो 7 दरहम भर दें, नहीं तो 7000 का 70000 हो जाएगा, दरहम हो जाएगा। प्लीज़ इसको जरा भर देना आप एक बार। और दुबई के वासियों का, दुबई का कहना है कि ये ज़मीन से तेल निकलता है और मेरा 60 दशकों से मैं इसे तेल निकालता आ रहा हूँ, तो प्लीज़ आप दुबई में ना थूकें। और अगर थूकना भी हो तो उसके लिए एक डस्टबिन बनाओ, तो उसमें जाकर आप थूको, उसमें आपके जाकर पिरके डालो, जो भी डालना हो। ठीक दोस्त, और जो तीसरा वहाँ का रूल कंडीशन है दोस्त, हम लोग अपने इंडिया में पानी पिलाने को सबसे समझते पुण्य काम है, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है दोस्त। आप जब भी दुबई जाओगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी जाओगे, तो वहाँ पे पानी जो आपको मिलेगा वो 200 रुपये का, इंडियन रुपीज़ का आधा लीटर पानी 200 रुपये का मिलेगा। तो इसलिए दोस्त, जब भी आप रूम से बाहर जाओ, तो कोशिश करना रूम में पानी पी लेने के लिए, और एक पानी की बोतल अपने पास रख लेने के लिए, ताकि आपको सहूलियत मिले कि बाहर में पानी आपको ना पीना पड़े। रूल नंबर 4 दोस्त, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मैं दुबई में जॉब कर रहा हूँ, दुबई में ये है वो है। दुबई में जो भी जॉब कर रहा है भाई, जो भी सोनापुर में रह रहा है, दुबई में, सोनापुर मैंने बोला है, सोनापुर, ये सोनागाछी मत समझना, कलकत्ता वाला, सोनापुर मैंने बोला है, मेरी बात सुनो। सोनापुर में सारे इंडियन वर्कर रहते हैं, सोनापुर में आपका जस्ट लाइक कि हिंदी भाषा, बिहारी भाषा, जो हम लोग की लैंग्वेज होती है, वही भाषा में आपकी बात होगी, कोई तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। और अधिकांश यहाँ पे बंदे दुबई में रहते हैं, जो भी, वो इंडिया के ही रहते हैं अधिकांश। और दोस्त, दुबई 7 देशों से मिलकर बना है, एक यूनाइटेड अरब अमीरात है, जो कि 7 देश से मिलकर बना है दुबई। दुबई में जो भी बंदे कार ड्राइवर या मोटर व्हीकल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, वो 5 डिजिट का उनका नंबर होता है। और दुबई की जो स्टेयरिंग होती है, जस्ट हम लोग का जैसे इंडिया में राइट साइड होता है, उसका लेफ्ट साइड होता है स्टेयरिंग। और दुबई में दोस्त, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अपने इंडिया में हॉर्न बजाने पे 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 चिल्लाते रहते हैं हम लोग हॉर्न के लिए, लेकिन दुबई में अगर आपने हॉर्न बजाया, तो हॉर्न का मतलब होता है गाली, आपको अगला बंदा रुक के 2-4 थप्पड़ दे देगा आपको। इसीलिए कोई भी आगे बंदा अगर गाड़ी चला रहा है, तो उसके आगे हॉर्न ना बजाएं, या आप ट्रैफिक पे हो तो प्लीज़ हॉर्न ना बजाएं, इस चीज़ को आप देख लें। ठीक दोस्त, तो दोस्तों दुबई के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं आपको बताता रहता अपने वीडियो में। तो थैंक यू सो मच दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, और मैं कोशिश करूँगा कि विदेश से फ्री में बातें कैसे करें। अगर दोस्त मेरी बात आपको पसंद आए और मेरे चैनल को अच्छा लगे, तो दोस्त प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मैं बहुत सारी जानकारी आपके लिए लाऊंगा। धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।